देखिए मार्केट पूरा नॉलेज का गेम है, अगर आप मार्केट को सीखोगे नहीं, आपके पास चाहे कितना भी पैसा आए, सब खत्म हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपको हमारे गोल्ड के ट्रेडिंग लेवल्स कैसे लग रहे हैं, गोल्ड का एनालिसिस कैसे लग रहा है। दोस्तों आप काफी जगह यूट्यूब पर आप गोल्ड के लेवल्स भी लेते होंगे, गोल्ड के सिग्नल भी लेते होंगे, लेकिन यहाँ पर एकमात्र इस चैनल पर आपको पूरा साइकोलॉजी के साथ समझाया जाता है, जो आपको लाखों रुपए की क्लास में बताया जाता है जनरली दूसरी जगह पर। तो चलिए बिना देरी के आज का गोल्ड का एनालिसिस करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि गोल्ड के फर्दर ट्रेडिंग लेवल। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट है, गोल्ड यहाँ पर ऊपर की तरफ गया। तो दोस्तों आज के गोल्ड का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी कल की वीडियो दिखाना चाहूंगा। कल की वीडियो का एक क्लिप देखिए मैंने क्या बोला था। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट मतलब यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ एग्जैक्टली अपने इस वाले लेवल को वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर देता है, तो डेफिनेटली हम गोल्ड में फर्दर बाइंग कर सकते हैं और ऊपर के हमारे ट्रेडिंग लेवल्स रह सकते हैं 2470-2480 तक के। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, मैंने आपको बोला कि हमारे जो फर्दर ट्रेडिंग लेवल्स रह सकते हैं 2470-2480 के। यहाँ पर मैं 4 आवर का चार्ट लगाता हूँ आपके सामने और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इस कैंडल का हाई, एग्जैक्टली गोल्ड ने लगाया है 2482 का हाई। तो दोस्तों आप ये सोचेंगे कि मैंने इतना एग्जैक्टली कैसे प्रिडिक्ट किया, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ चार्ट को एनालिसिस करने का तरीका है, चार्ट रीडिंग का तरीका है। अगर आप चार्ट रीडिंग सीख जाते हैं दोस्तों तो आपको मतलब बहुत सारी जो गार्बेज चीजें होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया कि यहाँ पर गोल्ड के 2470-2480 के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अगेन वन डे के चार्ट पर लेकर जाऊंगा और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो लेवल था ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था। जब भी मार्केट इस लेवल में आ रहा था तो यहाँ पर एक जबरदस्त सेलिंग आपको देखने के लिए मिल रही थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर भी आपने थोड़ी देखी। ठीक, तो दोस्तों रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाना काफी मुश्किल होता है, तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर सोचता है कि यार सेलिंग तो रहेगी। ठीक है, सेलिंग डेफिनेटली होगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक यही चीजें पढ़ी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पैटर्न वगैरह और आलतू फालतू की बहुत सारी चीजें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप साइकोलॉजिकली अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये जो कैंडल्स है ना ये डायनेमिक है, ये जब हम और आप जैसे बायर सेलर से ट्रेड कर रहे हैं तभी तो ये चल रही है। तो अगर इनके पीछे की हम साइकोलॉजी देखते हैं तो आप क्लियरली देखिएगा, ये जो फ्राइडे की कैंडल थी ये थी यहाँ पर एक तरीके से आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो हैमर कैंडल, लेकिन ये पिन बार था और पिन बार की साइकोलॉजी क्या होती है, प्राइस यहां से ओपन हुआ नीचे तक गया लेकिन बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा था कि प्राइस को ऊपर ले गया, तो एक तरीके से डोजी कैंडल बन गई। यानी कि डोजी कैंडल या पिन बार कैंडल वो होती है जहां पर प्राइस ओपन हुआ उसी के आसपास बंद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्राइडे की कैंडल थी, मैंने यहीं पर प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ये लेवल ब्रेक भी हो सकता है। तो नेक्स्ट डे आपने देखा यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट किया, लेकिन ओवरऑल ये बुलिश कैंडल थी और आपने यहाँ पर कल देखा कितनी बड़ी यहाँ पर तेजी आई है। मैंने आपको कल ही लेवल दिया था, जो हमारे प्राइवेट सिग्नल ग्रुप के मेंबर हैं उनको मैंने क्लियर कट यहाँ पर लेवल दिया था बाइंग का। बाइंग के लिए इवन मैंने तो यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट लिया था, लेकिन मैंने बोला था कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक हो सकता है, काफी ऊपर तक जा सकता है। तो कल काफी सारे लोगों ने दबा के प्रॉफिट बनाया, इवन जो बहुत सारे लोग लॉस में थे कुछ टाइम से तो उन लोगों ने अपने लॉस भी रिकवर किए और एग्जैक्टली आप देखो कितनी बुलिश कैंडल बनी है। दोस्तों यहाँ पर जो ये चीजें दिख रही है मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ पर आप देखेंगे कितनी बार मार्केट गिरा है, यहाँ पर आपको इस तरह का कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला। तो एक रिटेल ट्रेडर यहाँ पर 90 टाइम्स सेलिंग करेगा, लेकिन दोस्तों जो प्रो ट्रेडर होते हैं जिनको नॉलेज होता है मार्केट का सही से, वास्तव में मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं, तो यहाँ पर उन्हीं लोगों ने बाय किया होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिंदास गोल्ड ने अपने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है जो कि अभी तक का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था। तो अभी यहाँ पर काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या गोल्ड नीचे आएगा,
दोस्तों मैंने बोला था कि अगर ये वाला लेवल वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो जाता है तो दोस्तों गोल्ड के आगे खुला आसमान है, गोल्ड कितना भी ऊपर तक जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली इतना ऊपर गया है गोल्ड, थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर करेगा, थोड़ा नीचे आएगा लेकिन वो डाउन ट्रेंड नहीं रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपका यहाँ पर सिर्फ कंसोलिडेशन। देखिए अगर मैं इसको 4 आवर में लगाता हूँ तो आपको एक साइकोलॉजी और देखने के लिए मिलेगी, जो जनरली मैं आप लोगों को बताता हूँ समझाता हूँ वो क्या रहेगी दोस्तों। जब कभी भी मार्केट आपको इस तरीके से ट्रेड होता हुआ देखिए, जब हायर हाई बना रहा है फिर हायर लो बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड। और जब तक इस पैटर्न में मार्केट चलता है दोस्तों तो इसमें हम बाइंग के बारे में सोचते हैं। अभी एक न्यू हाई बना है, अभी एक न्यू हायर हाई बना है, तो हायर हाई बनने के बाद दोस्तों ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा अपना हायर लो बनाने नीचे जरूर आएगा डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद दोस्तों अगेन आपको गोल्ड में 2500 तक के भी लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों हमें जिस प्रकार से भी मार्केट में पैटर्न दिखेगा, जिस प्रकार से भी मार्केट बिहेव करेगा, हम उसको उसी तरीके से ट्रेड करेंगे। और वो साइकोलॉजी और भी बढ़िया तरीके से मैंने प्राइवेट ग्रुप में बताई है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि गोल्ड अभी अप ट्रेंड में है और हम बाइंग करके प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन दोस्तों काफी बार लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि एग्जैक्टली हमें बाय कहाँ पर करना है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उसका टारगेट क्या होना चाहिए, तो वो दोस्तों आप लाइव मार्केट में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चार्ट को सिर्फ देखना है, देखते आपको पता चल जाएगा, वो स्ट्रेटजी मिलेगी आपको हमारे प्राइवेट ग्रुप में, क्योंकि वो स्ट्रेटजी काफी वाइड है, उसके लिए आपको और भी 10 चीजें समझानी पड़ती है। तो अगर आप उस स्ट्रेटजी का एक्सेस लेना चाहते हैं तो आप हमारे प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में, तो हमने यहाँ पर बोला कि जो हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग लेवल रहेंगे दोस्तों वो तो हमारे 25 तक के रहेंगे, 25 तक भी गोल्ड ऊपर की तरफ जा सकता है। उसके बाद अभी हम यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के ट्रेडिंग लेवल्स, और दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है गोल्ड की साइकोलॉजी का, कि यहाँ पर गोल्ड ने क्यों और किस प्रकार से अपने इस हाई को ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अभी बात करते हैं दोस्तों, अगर आप प्राइवेट फॉरेक्स लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए जस्ट आपको सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको हमारे दिए गए लिंक से एक फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना होता है, और दोस्तों मैं आपके साथ बेस्ट ब्रोकर रिकमेंड करता हूं। दोस्तों आप अगर हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करवाते हैं तो सबसे पहला फायदा आपको हमारा ट्रेडिंग सपोर्ट मिलता है, लाखों रुपए की स्ट्रेटजी का एक्सेस मिलता है फ्री में, और दूसरा उसके अलावा दोस्तों कभी भी आपको ब्रोकर में डिपॉजिट विड्रॉ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। दोस्तों अगर आपका ऑलरेडी उन ब्रोकर्स में अकाउंट है तो दोस्तों आप अपना आईबी भी चेंज कर सकते हैं, आईबी चेंज करने का प्रोसेस भी एकदम सिंपल है, आपको जस्ट वीडियो में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, देखिये मार्केट पूरा नॉलेज का गेम है, अगर आप मार्केट को सीखोगे नहीं आपके पास चाहे कितना भी पैसा है सब खत्म हो जाएगा, आपके लॉस पे लॉस होंगे। एक्सीडेंटली प्रॉफिट करने में और कॉन्फिडेंटली प्रॉफिट करने में बहुत फर्क होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों आप पहले सीखिए, सीखने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, आप किसी का महंगा कोर्स भी खरीद सकते हैं, गूगल पे खुद से भी सर्च कर सकते हैं, ऑब्वियसली उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं तो आप हमारा प्राइवेट फॉरेक्स लर्निंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसमें एडवांस लेवल की लाखों रुपए की एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।